नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। दोस्तों अगर आप SSC GD कॉन्स्टेबल 2018 के अभ्यर्थी हो, दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर अब RME से पहले जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, 2011 और 2012 की भर्ती प्रक्रिया में ही ऐसा ही सब कुछ हुआ था। यहाँ पर महामारी के चलते अब क्या रीमेडिकल नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर लंबा समय लग सकता है। इसको देखते हुए CRPF ने यहाँ पर हाल ही में CGO कॉम्प्लेक्स SSC को एक नोटिस भी प्रोवाइड करवाया, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर मेडिकल फिट कैंडिडेटों की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जल्दी जारी कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों हम आपको जो SSC का हेडक्वार्टर है वहाँ पर बातचीत हुई किसी कैंडिडेट की, तो वो रिकॉर्डिंग भी आपको इस वीडियो में विथ प्रूफ दिखाने वाले, ताकि आपके सारे के सारे डाउट से वो यहाँ पे क्लियर हो सके, क्योंकि आप खुद सुन के अंदाज लगा सकते हो कि वो रियल है या फिर फेक न्यूज है। क्योंकि किसी कैंडिडेट ने ये हमारे पास में भेजी है जिसके पास में SSC हेडक्वार्टर से फोन आया था डॉक्यूमेंट इश्यू के कारण, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम थी इस कारण। और उन्होंने ये भी बताया कि हम फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 14 से 15 जुलाई के बीच में हम फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी करने वाले हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला। आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। साथ में दोस्तों आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो और साथ आप मेडिकल फिट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर आप मेडिकल में RME आपको रीमेडिकल मिला तो भी आप रीमेडिकल लिख के आप हमारे पास में कमेंट जरूर करी कीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी, साथ में दोस्तों ये वीडियो सभी दोस्तों के पास में आप जरूर शेयर कर दें, महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच जाए। 16 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसीलिए आपने मतलब कॉल किया था सर? हाँ, कॉल नहीं किया था, थोड़ा सा वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। जी सर, कर लिया जी। मेरी OBC कैटेगरी है ना? जी सर। हाँ नहीं, यहाँ पर फाइल डिसमैच हो रहा था, ठीक है ना। मेडिकल में कुछ और था और तुम्हारा फिजिकल में कुछ और था, तो मैच नहीं हो पा रहा था। तो फिर से हम टोटल डॉक्यूमेंट कार्बन कॉपी का देखें। तो सर जी, ए RME के बिना सर जी ये मेरिट मार देगा क्या सर? नहीं सर, रीमेडिकल तो अभी तक नहीं हुआ है ना सर SSC GD का? देखो रीमेडिकल का जैसे होता क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो? सर जी मैं करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ और असम से सर। हाँ, देखो इसका जो कोरोना COVID-19 का महामारी जो है उसका मद्देनजर देखते हुए रक्षा मंत्रालय के साथ मीटिंग भी हुआ, और इसका जो टोटल यानी गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग हुआ, तो हाई लेवल मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया है कि COVID-19 के महामारी जो है इसका मद्देनजर देखते हुए ऑफिस वर्क ओपन रहेगा। और यानी जिसका यानी मेडिकल री मेडिकल नहीं हो पाया है उसका री मेडिकल का प्रोसेस करवाया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे उसका भी प्रोसेस करवाया जाएगा। जी सर, जहाँ संख्या पहले होती थी 500 और 1000 कैंडिडेट प्रतिदिन होता था, वहाँ है जैसे 200 से 250 तक हो पाएगा, ठीक है। जी सर, और ज्वाइनिंग का जब बात आया, मेरिट का बात आया, तो अगर टोटल एक बार मेरिट दे दिया जाएगा, ठीक है ना, तो टोटल एक बार मेरिट दे दिया जाएगा, टोटल एक बार वेरिफिकेशन होगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत आ जाएगा, है ना। जी सर, तो इसी वजह से जो है इसका यानी 3 से 4 स्टेप में मेरिट दिया जाएगा, ठीक है ना, और धीरे धीरे करके उसका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, फिर उससे दिया जाएगा मेडिकल का फाइनल क्लियर, फिर मेरिट दिया जाएगा, फिर ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो सर अभी मेरिट मार लीजिए 15 से 16 जुलाई को सर फाइनल मेरिट मार देगा ना सर? हाँ जी। तो सर आप इतना तो बता ही सकते हो सर, चांसेस है मेरा सर आने के लिए? सर मेरा 5 मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है सर, मैं DME तो क्वालिफाइड हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? सचिन ग्वाला। सचिन ग्वाला OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना? हाँ। हाँ सर, मैं सचिन ग्वाला OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो सर आया होगा कट ऑफ, आ रहा है सर, उसमें आ जाएगा सर? अब देखो हम वो क्या होगा नहीं होगा वो तो जाने के बाद होगा, हमें यहाँ पर मेरिट अति करके, ठीक है ना, मेरिट रेडी करके फाइनल मीटिंग में वहाँ पर शो कर देना है, कंप्यूटर पे अपडेट कर देना है। उसके बाद फिर आगे क्या है, कितना से मेरिट उठेगा वो सब तो कुछ हम नहीं बता सकते ना तुमको। अच्छा जी सर, तो ये आप सर दिल्ली से कर रहे हो ना सर? दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ जी सर, लोडी रोड से ना सर, वो जो मतलब जो CRPF वो कैंप से ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने कॉल किया था इसीलिए, मतलब जो मेरा कैटेगरी वेरीफाई नहीं हो रहा था ना सर, इसीलिए ना सर?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये कॉल तो सिर्फ आप मेरे पास ही किए हो सर, बाकी किसी के पास तो नहीं करना है सर। क्यों क्यों करेंगे? जैसे प्रॉब्लम रहता है तभी करेंगे ना। तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा था, तो अच्छा, प्रॉब्लम को तो हम आगे क्या जवाब दे पाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए कॉल करके होता है, हम लोग को आदेश दिया हुआ रहता है। ठीक है ना? जी सर। तो सर आपके हिसाब से मतलब 15 से 16 को सर कंफर्म है कि मेड आ ही जाएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए ठीक है ठीक है, सर। ओके। हाँ सर।